हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 10.1 के चौथे पार्ट में स्पर्शी का समीकरण तथा अभिलंब के बारे में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उससे शुरुआत करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। वक्र 9x² + 16y² = 144 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। तो दो के सभी एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई है तो उसकी प्रवणता क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जैसा कि अभी हम सब लोगों ने समझा दिया, जान लिया। और अगर कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर तो उसकी प्रवणता क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, यानी 1/0। ये 0/1 होता है, ये 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 9 × जो हमारा इक्वेशन है 9x² + 16y² = 144। 9 × 18x + 16 × 32y और इंटू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। अगर डी वी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18x / 32y। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 बचा, ये कितना बचा, 16। डी वी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस का 9x / 16y। ये हमारा डी वी एक्स ऑफ वाई है। पहला केस हम लागू करेंगे एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा कितना, माइनस का 9x / 16y इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। एक्स का मान उठा करके हम इस पॉइंट में रखेंगे, यहाँ पर इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का मान रखें तो ये 9 × 0 हो जाएगा प्लस का 16y² = 144। ये पूरा जीरो हो जाएगा, 16 × 144 वाई बराबर प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बिंदु हमारा क्या मिल जाएगा, यानी एक्स का मान वाई का मान, तो एक्स का मान कितना है, 0, और उस केस में वाई का मान या तो प्लस का 3 या तो माइनस का 3 दिया। इसके लिए क्या कह रहा है, सेकंड वाले के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हम लोग रखना कितना, माइनस का 9x / 16y बराबर 1/0। इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका गुणा इधर, तो 16y 0 के बराबर, तो y क्या हो जाएगा, 0। वाई क्या हो जाएगा, ना जीरो हो जाएगा। अगर वाई जीरो तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वैल्यू डालेंगे, किसकी वैल्यू, वाई इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू, ठीक है, डालेंगे तो ये 9x² + 16y का मान 0 = 144। 16 × 144 x² 16 के बराबर, यानी x किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 4 के बराबर। बिंदु हमारा क्या मिल जाएगा, यानी x का मान y वो जो है प्लस माइनस 4, x का मान है, y कितना है, 0 आया। ये आंसर या तो ये बिंदु आएगा या तो ये बिंदु आएगा। ये बिंदु कब आएगा, y अक्ष के समांतर आएगा रेखा की प्रवणता। ये बिंदु कब आएगा, जब रेखा x अक्ष के समांतर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें कह रहा है वक्र अंडर y प्लस √x + √y = √a पर स्थित वे बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु निकालना है x / y निकालना है जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, d dx ऑफ y कितना जाता है, 0 जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, हमेशा फर्स्ट जो हमारा वक्र दिया जाए, अंडर रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंटिएशन, 1/√x,
अंडर रूट वाई का वन अपॉन टू रूट वाई इंटू वाई का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई रूट ए का जीरो, ये वाला टोटल इधर लाएंगे तो एक बटा दो अंडर रूट वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस का एक बटा दो अंडर रूट एक्स, दो से दो कैंसिल, रूट वाई को ऊपर ले जाएंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा रूट वाई अपॉन रूट एक्स, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। और गोविंद भैया रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा के लिए क्या होता है डी डी एक्स ऑफ वाई जीरो जाता है, रूट वाई बटा रूट एक्स यानी रूट वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो से गुणा करेंगे जीरो यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा जीरो, y का मान समीकरण के जीरो में रखेंगे वन में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल्स टू कितना होता है ना जीरो, तो अंडर रूट x प्लस y तो जीरो प्लस बराबर है कितना अंडर रूट का a, अंडर रूट x में जीरो ऐड करके अंडर रूट x बराबर कितना आ गया अंडर रूट a, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा a आ जाएगा, यानी हमारा बिंदु क्या मिला, बिंदु हमने क्या माना था x कामा y, x आया a y आया जीरो, ये आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है वक्र 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36 पर स्थित हुए बिंदु ज्ञात कीजिए, फिर से बिंदु निकालना x कामा y जिन पर खींचिए इस पर रेखा x अक्ष के समांतर यानी d dx ऑफ y फिर से क्या हो गया पुट करना है जीरो, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नौ दूनी 18x, चार दूनी 8y, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर जीरो, 18 इधर लाएंगे तो 8y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस के 18x, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 18x के बटे में 8y, दो से काटेंगे दो चौके 8 दो नौ 18 माइनस के 9x बटा 4y ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव तो आ चुका है और ये बता रहा है x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के क्या है समांतर, कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा जीरो आ जाएगा बराबर माइनस 9x बटा 4y, इधर चला जाएगा तो माइनस 9x बराबर 4y का जीरो से गुणा 4y का जीरो से गुणा जीरो, x बराबर भी क्या आ जाएगा जीरो, x का मान उठा करके यहाँ रखेंगे y कितना आएगा 9x का मान जीरो 4y स्क्वायर बराबर 36, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया 4 × 4 = 36 y स्क्वायर कितने के बराबर 9 के, तो y कितने के बराबर प्लस माइनस 3 के, यानी बिंदु हमारे पास क्या आ जाएगा x कामा वाई जो हमने माना था x का मान कितना आया जीरो y का मान इस केस में प्लस माइनस 3, ये बन जाएगा इसका आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें कह रहा है वक्र x बराबर a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा कामा y बराबर a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा के बिंदु थीटा बराबर पाई बाई 2 पर स्पर्शी का समीकरण क्या ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन किसका है थीटा का है थीटा, तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए कांस्टेंट थीटा का थीटा के साथ एक्स वन साइन थीटा का कॉस डिफरेंशिएशन इसका करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू ए कांस्टेंट 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा में जीरो ऐड करेंगे साइन थीटा का ए से गुणा ए साइन थीटा, अब आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है क्या होता है डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स ये कितना है ए साइन थीटा और वो कितना है ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ए से कैंसिल, हमको डी डी एक्स ऑफ वाई का मान किस बिंदु पर चाहिए d
डी डी एक्स ऑफ वाई करना थीटा इक्वल्स टू फाइव बाई टू पर चाहिए, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान फाइव बाई टू अपॉन वन प्लस कॉस थीटा का मान फाइव बाई टू, साइन फाइव बाई टू का मान वन अपॉन वन प्लस कॉस फाइव बाई टू यानी डिफरेंस का मान एक, ये कितना आ जाएगा एक। अब हमको इक्वेशन निकालना है इसमें से क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई दिए जाए बिंदु एक्स वन का मान वाई वन का या जो थीटा दिया था उस बिंदु एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई वन रेखा के लिए ये वाई वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स वन, हमने पहले भी बताया था वाई वन कितना है ए ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, डी डी एक्स ऑफ वाई कितना आया हमारा वन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन कितना है ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। हल करेंगे तो वाई माइनस का ए माइनस माइनस प्लस का ए कॉस थीटा और इधर कितना है एक्स अंदर गुणा कराएंगे माइनस का ए थीटा माइनस का ए साइन थीटा। क्या करेंगे इन दोनों को अच्छा अंतर करके उधर लाएंगे वाई को इधर लाएंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाए, ये उधर गया ए थीटा प्लस का ए साइन थीटा प्लस का और ये क्या है ए माइनस का ए कॉस थीटा प्लस का, सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन क्या है थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन प्लस का ए एक आगे आ गया क्रॉस थीटा। अब थीटा बराबर कितने पर हमको वैल्यू चाहिए थी फाइव बाई टू पर, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए फाइव बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू माइनस वन कॉस पाई बाई टू, ये जीरो होता है ये वन होता है वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा ए पाई बाई टू एक्स माइनस वाई, ये इक्वेशन आ जाएगा इसके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू बिंदु ए का मान बी पर वक्र x अपान ए की होल पावर n प्लस y अपान b की होल पावर n बराबर 2 को स्पर्श करती है, n का मान चाहे कुछ भी हो, n का मान चाहे कुछ भी हो, ठीक है चाहे n का मान कुछ भी हो, ये हमारा क्या दिया गया वक्र, और हमेशा डिफरेंटिएशन किसका करते हैं वक्र का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dx ऑफ y चाहिए, इस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा चाहिए ए का मान बी पर, तो ये हमारा एक्स वन वाई वन होगा, इससे डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालेंगे ए का मान बी में वैल्यू निकालेंगे और फिर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, ठीक है क्योंकि ये जो रेखा है इस वक्र को स्पर्श कर रही है, ये वक्र को स्पर्श करने जा रही है ए का मान बी पर, तो ये वक्र की कौन सी रेखा होगी, ये वक्र की स्पर्श रेखा होगी, तो ये एक्स की पावर एन एन x की पावर n माइनस वन और इंटू में डी डी एक्स ऑफ x अपॉन a, पहले बाहर का करेंगे फिर भीतर वाले का करेंगे, पहले बाहर वाले का करेंगे पूरा x मान करके बाहर का फिर भीतर वाले प्लस x की पावर n n x की पावर n माइनस वन और इंटू में डी डी एक्स ऑफ भीतर वाला कौन है y अपॉन b और टू कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, n कांस्टेंट है यहाँ से हटा करके गुणा कर देंगे जीरो पर, n से कॉमन n कॉमन लेकर के जीरो के बटे में दे दिया गया जीरो को, ये कितना आ गया x अपॉन a के होल पावर n माइनस वन गुणा x का वन होता है a कांस्टेंट y अपॉन b का होल पावर n माइनस वन p कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और y का डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू जीरो, ये पूरा पार्ट इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा y बाई b की होल पावर n माइनस वन आगे कितना है वन बाई b और इंटू में डी डी एक्स ऑफ y, ये पूरा पार्ट इधर आएगा माइनस में हो जाएगा वन बाई a x अपॉन a की होल पावर n माइनस वन, अब b वाला ऊपर जाएगा तो b अपॉन a
एक्स अपॉन ए के होल पावर एन माइनस वन, यानी जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। इस वाले में देखो नीचे कौन है, बी है, ऊपर चला गया। ऊपर कौन है, वाई बराबर के स्थान नीचे आ जाएगा। पावर कितनी लगी थी, एन माइनस वन, वैसे की वैसे रहेगी। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, घात तो वही की वही रहेगी। ये हमारा क्या मिल गया, डी डी एक्स ऑफ वाई। अच्छा डी डी एक्स ऑफ वाई कहाँ पर हमको चाहिए, ए कामा बी पर चाहिए। कौन से बिंदु पर, ए कामा बी पर। तो माइनस बी अपॉन है, एक्स का मान कितना है, ए अपॉन ए की होल पावर एन माइनस वन। बी अपॉन वाई का मान कितना है, देखो बी है की होल पावर एन माइनस वन, ये कैंसिल वन, ये कैंसिल वन। वन की पावर चाहे कुछ भी हो बनाएगा, वन की पावर चाहे कुछ भी हो बनाएगा। और आगे कितना है, माइनस का बी अपॉन ए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब हमको निकालना है स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण फार्मूला क्या होता है, स्पर्शी का समीकरण y माइनस वाई वन इजिक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई किस बिंदु पर, ए कामा बी पर, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ये हमारा स्पर्शी का इक्वेशन। तो y माइनस वाई वन का मान देखो कितना है, b है। डी डी एक्स ऑफ वाई कितना है इस बिंदु पर, माइनस बी अपॉन ए। x माइनस एक्स वन देखो कितना मान, ए। ये रेखा के लिए एक्स वन वाई वन, वक्र के लिए एक्स वाई। अब b को नीचे ला रहे हैं, a को इधर से ला, b को नीचे लाएंगे तो y के बटे में b हो जाए, माइनस b को माइनस वाले b को ला रहे हैं, माइनस b नीचे आ जाएगा, माइनस b नीचे आ जाएगा, बराबर माइनस b y के नीचे आएगा, माइनस b को माइनस b के नीचे ला रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, अब a नीचे बचा, a का x से भाग x बाई ए का भाग माइनस ए से माइनस ए बाई ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल वन, बी से बी कैंसिल वन। ये माइनस का क्या बचा हमारे पास, माइनस का वाई बाई बी और प्लस का वन इजिकल्स टू एक्स बाई ए माइनस का वन। इस वाले को दोनों को पक्षांतर करो, एक्स अपान ए इधर आई है, वाई अपान बी इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, वन इधर जाएगा माइनस माइनस टू हो जाएगा, और यही रेखा हुई। अतः स्पर्शी रेखा का समीकरण जो हमारा दिया गया था वही आ रहा है यहाँ प्रूफ। जो किए थे अभी तक वही हम बोला है, इसमें आंसर दे दिया गया पहले से, बस और कुछ है। ठीक है, बस यही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होने वाला है। यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है।